हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, नीट यूजी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यूजी के एस्पिरेंट्स ने हर एक प्रक्रिया को अपनाया पर हायर अथॉरिटी इनकी मांगों को बेबुनियाद कहकर खारिज कर दे रही है। क्योंकि दोस्तों, उन्हें लगता है कि इस यूजी एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ टाइम है हमारे लिए, जिसको लेकर उम्मीदवार यह प्रयास कर रहे हैं कि उनके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है पर उम्मीदवारों के फ्यूचर के लिए यह एक बहुत ही बड़ा कदम है। अगर इस तरह के कदम नहीं उठाए जाते हैं तो यहाँ पर लाखों उम्मीदवारों को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है अपनी यूजी एग्ज़ाम को लेकर। क्योंकि दोस्तों, जब काउंसलिंग को 5 से 6 महीना चलाया गया है तो एग्ज़ाम में 3 महीने से भी उम्मीदवारों को कम समय दिया गया है अपनी प्रिपरेशन को लेकर। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा यो है, यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि उनके गलतियों के कारण उम्मीदवारों को यहाँ पर संघर्ष करना पड़ रहा है, जिसको लेकर दोस्तों यहाँ पर फिर से एक बड़ा कदम उठाया गया है और इस बार ओपनली चैलेंज किया गया है एनटीए डीसी को। दोस्तों कैसे, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि पवन भड़ाना की तरफ से अभी से कुछ घंटा पहले यह अपडेट दिया गया, जिसमें बताया गया है इफ़ डीसी एनटीए डज नॉट रिस्पॉन्ड टुमारो नीट यूजी दैट व्हाट शुड बी डू। शायद देख सकते हैं कि साथ ही दोस्तों यहाँ पर उनके तरफ से एक पोलिंग सिस्टम क्रिएट किया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ट्विटर कैंपिंग 19%, प्रोटेस्ट 59%, रिप्रेजेंटेड 15% और कीप वेटिंग 7%। यानी कि दोस्तों उम्मीदवारों ने कैंपिंग किया, स्पष्ट कोई रूप नहीं मिला, हायर अथॉरिटी की तरफ से कोई लेटर नहीं आया, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर हो, चाहे वो पीएमओ हो, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर हो, चाहे वो स्टेट के हो, कहीं से भी कोई रिप्लाई नहीं आया, जिसको लेकर उम्मीदवारों ने कैंपिंग की आज भी अब छोड़ चुके हैं। पर दोस्तों, दबाव बनाने के लिए, लगातार प्रोटेस्ट के लिए, यहां पर उम्मीदवारों को जागरूक करने के लिए कैंपिंग चलाया भी जा रहा है। पर दोस्तों सीधे देखते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव को लेकर इन्हें कोई भी फायदा नहीं दिखता है, क्योंकि दोस्तों 15% है। आप सोच सकते हैं कि उम्मीदवारों को इन चीजों पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव को लेकर 15%। साथ ही दोस्तों कीप वेटिंग के नाम पर उम्मीदवार बिल्कुल ही बेकार हैं, इसमें वही उम्मीदवार हैं जो चाहते हैं कि एग्जाम अपनी निर्धारित समय पर कराई जाए। यानी कि आप सभी को पता है कि 70% में 30% उम्मीदवार हैं जो चाहते हैं कि एग्जाम अपने निर्धारित समय पर। पर दोस्तों आप यहां बोलते हैं कि 59% जो उम्मीदवार हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि प्रोटेस्ट किया जाए और इस बार जो प्रोटेस्ट किया जाए इसकी जो आगमी होगी वो बहुत ही जल्द होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि देश के अंदर यहाँ पर अग्निपथ स्कीम को लेकर पहले ही से विरोध है। अगर यूजी के एस्पिरेंट मिलेंगे तो यहाँ पर जो है विद्रोह और भी बढ़ सकता है, तो इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर इनके तरफ से यह साफ साफ चेतावनी दे दी गई है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर रहते हैं कि सीपी दिल्ली से आगमन है कि जल्द से जल्द नीट यूजी के छात्र की डीजी एनटीए से मुलाकात कराई जाए। अगर कुछ अनहोनी होता है, यहाँ पर कहते हैं कि अगर कुछ अनहोनी होती है तो इसके लिए डीजी एनटीए और सीएसपी दिल्ली, दिल्ली पुलिस जिम्मेदार होगी। हैशटैग यहाँ पर सकते हैं कि नीट यूजी और हैशटैग जस्टिस फॉर नीट यूजी। साथ ही दोस्तों आज जो है उनकी अपकमिंग यहाँ पर जो है एक मीटिंग भी है, जो यहाँ पर कई सारे टीचर और कई सारे स्टूडेंट जो है अपनी बातें रखेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आज जो है उनको रिप्रेजेंटेट देना था, क्योंकि दोस्तों उन्होंने कहा था आप सभी से कि इस बार आखिरी बार जो है, लास्ट चांस जो है, यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर, यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर को यहाँ पर जो है लास्ट बार रिप्रेजेंट दिया जा रहा है। इस बार आप सभी को सड़कों पर उतरना पड़ेगा अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि समय बहुत कम है, उम्मीदवारों पर काफ़ी प्रेशर है अपनी तैयारी को लेकर। पर दोस्तों अभी तक जो है हायर अथॉरिटी उनकी बात नहीं सुन रही है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि टुमारो टू गोइंग दी एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफ यहाँ पर रिप्रेजेंटेड फॉर नीट यूजी 2022 पोस्टपोन्ड, यहाँ पर जो है दी प्रधान बीजेपी प्लीज हेल्प नीट एस्पिरेंट्स। साथ ही देख सकते हैं कि कई सारे टैगिन चलाए गए हैं। दोस्तों आज उन्होंने ये रिप्रेजेंटेड भी दे दिया, पर दोस्तों आज की जो ऑनलाइन जो यहाँ पर जो है रिमाइंडर सीट की गई है ट्विटर पर, उस पर कई सारे टीचरों की एक जो है यहाँ पर संगठन बनेगी और उसके बाद आप सभी के लिए, आप सभी के एग्जाम पोस्टपोन को लेकर
यहाँ पर साथी उम्मीदवार, यहाँ पर लाखों उम्मीदवार जो है फिर इसके लिए एक डिजिटल प्रोसेस करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अगर अब एनटीए डीजी नहीं सुनता है तो उसके लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। क्योंकि दोस्तों जेई के भी उम्मीदवार खड़े हैं, यूजी के भी उम्मीदवार खड़े हैं, और यहाँ पर जो है आप सभी की जो सरकार द्वारा अग्निपथ की जो स्कीम निकाली गई उसके लिए भी उम्मीदवार खड़े हैं। तो यहाँ पर सोचते हैं कि यह जो प्रोटेस्ट है वो कितने हाई लेवल पर जा सकता है। तो इसलिए अभी भी इन सरकारों से, डीजी एनटीए से, वरिष्ठ जज से ये रिक्वेस्ट है कि इस एग्ज़ाम को कम से कम उम्मीदवारों के मांग द्वारा पूरा किया जाए, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम को डिले करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी के लिए अपडेट निकल कर आ रही है, अगर इसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई भी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आएगी तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल स्टडी सुन के माध्यम से वो अपडेट शेयर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।